हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा टॉपिक हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसमें हम वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभवांतर में संबंध स्थापित करेंगे, ठीक है। दोनों टॉपिक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और मैं यहाँ पे आपको विद कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। विद कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे विद्युत विभव कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से आपको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो सीखने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। आप लोग करते हैं क्या है, 20-25-30 सेकेंड वीडियोज देख के स्किप कर देते हैं, ठीक ना। 1-2 मिनट देख के वीडियो स्किप कर देते हैं, ठीक ना। 1-2 मिनट वीडियो देखने का मतलब है कि अपना टाइम वेस्ट करना। मैं हर एक वीडियोस में मैं आपको बताता हूँ, हर एक वीडियोस में आपको समझाता हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियोस को पूरा देखा करिए। कम से कम 60-70% वीडियोस तो आप देख लीजिए, अगर देखेंगे तभी आप सीख पाएंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है जिसपे हमने डिस्कस किया था वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। वहां पे होल कॉन्सेप्ट बताया मैंने, पूरा वीडियोस देखेंगे तभी आप पूरा विभव को समझ पाएंगे, उसके पीछे की हिस्ट्री समझ पाएंगे, ठीक ना, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, इसके बाद इस वीडियो को आप वॉच कीजिए, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो मान लेते हैं कि ओ बिंदु पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है, एक बिंदु आवेश रखा है। बिंदु आवेश उसे कहते हैं जिसका साइज दूरी के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, तो उसको हम बिंदु आवेश कहते हैं। जैसे एक छोटा सा गोला है और इस गोले पर आवेश दे रखा है प्लस का क्यू आवेश दे रखा है, इसकी साइज जो है वो इस दूरी के कंपेरिजन में बहुत छोटा है, इसलिए इसको हम बिंदु आवेश कहते हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, इस बिंदु आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु पी है और इस बिंदु पी पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो लैंग्वेज आपको लिखना है जैसे आपने डायग्राम बनाया है, उसी तरीके से आपको जस्ट यहाँ पे लैंग्वेज लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले माना ओ पर एक बिंदु आवेश है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इन्फिनिटी से, अनंत से एक क्यू नॉट आवेश को उठा के बिंदु P तक लाना पड़ेगा। तो इस Q0 आवेश को बिंदु P इन्फिनिटी से P तक लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क और Q0 के रेशियो के बराबर हो जाएगा विभव इस बिंदु के, ठीक है। तो सबसे पहले इन्फिनिटी से एक Q0 आवेश को उठा के हम बिंदु P तक लाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। किस तरीके का काम करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट हमें वर्क करना पड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि जब इस इन्फाइनाइट में से इस क्यू नॉट चार्ज को जब हम ला रहे थे बिंदु पी तक, तो बिंदु पी तक लाने के लिए बीच में कहीं एक पॉइंट मिला हमें, बिंदु ए, जिसकी दूरी ओ से एक्स है, ठीक ना। अब इस बिंदु पी पर, सॉरी ए पर अगर क्यू नॉट आवेश रखा है, तो इसे प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर क्या लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा। अब इस आवेश को हम ए टू बी ला रहे हैं, तो इसका मतलब इस वैद्युत बल के विरुद्ध ला रहे हैं, तो वैद्युत बल के विरुद्ध लाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो दूसरी चीज, अब इस वैद्युत बल के विरुद्ध हमें लाने के लिए हमें यहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। जो एक्सटर्नल फोर्स होगा ई एक्सटर्नल, और ये एक्सटर्नल फोर्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ फोर्स के बराबर हो जाएगा, जो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसके बराबर होगा। दूसरी चीज, अब यहां पर आप समझ रहे होंगे पहली बात कि अगर मान लेते कि यहां पर अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, आपने क्या करा कि 10 न्यूटन का फोर्स इधर भी लगा दिया। अब आप कहेंगे कि सर यहां पर आप कह रहे कि 10 न्यूटन इधर लगा दो, 10 न्यूटन इधर लगा दो, तो नेट फोर्स इस पर जीरो हो जाएगा। जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो ये किस तरीके से मूव करेगा, तो मूव करेगा ही नहीं, ठीक ना। तो इसके लिए अगर नेट फोर्स इसमें जीरो 10 न्यूटन है, ठीक ना, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन है, नेट फोर्स जीरो है, तो वर्क नहीं करे, मतलब डिस्प्लेस नहीं होगा, डिस्प्लेस नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा। तो यहां पे कहने का मतलब होता है कि एक्सटर्नल फोर्स हम 10 न्यूटन नहीं, 10.000001 न्यूटन लगाते हैं, 10.0001 न्यूटन लगा दें, और ये लगभग लगभग किसके बराबर है, 10 न्यूटन के बराबर है, ठीक है। तो फोर्स, एक्सटर्नल जो फोर्स लगता है वो एफ फोर्स से थोड़ा सा ग्रेटर होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है, ताकि बॉडी या चार्ज जो है वो मूव कर सके, पहली बात, ठीक है। तो यहां पे जो वर्क डन होगा वो किसके द्वारा होगा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा होगा, और एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एफ के विरुद्ध लग रहा है। तो एक तो हम इस तरीके से एक्सटर्नल फोर्स के विरुद्ध हम काम करके विभव निकाल सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट इसका होता है, मैं इसी कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूं कि हम जस्ट क्या करते हैं कि
यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा क्या क्या वर्क डन पाथ पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब अगर एक क्यू नॉट चार्ज को पी से इन्फिनिटी तक ले जाते हैं, तो इन्फिनिटी तक ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा उतना ही काम इन्फिनिटी से बिंदु पी तक लाने में भी करना पड़ेगा। बस दोनों में डिफरेंस ये होगा कि पी से इन्फिनिटी तक ले जाने में काम एक्सटर्नल फोर्स नहीं करेगा, यहां पे फोर्स जो लग रहा है उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये वाला फोर्स उस पर वर्क करेगा। फिर इन्फिनिटी से लाने के लिए, यहां तक लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, तो इसके विरुद्ध करेंगे तो काम जो है वो नेगेटिव में होगा और टोटल जो वर्कडन होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि एक पूरे सर्कल में कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्कडन किया जाता है वो कितना होता है, जीरो। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे। तो सिंपली जस्ट हम इस मेथड से करेंगे कि ए से पी तक, मतलब इन्फिनिटी से पी तक लाने में कितना वर्कडन करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहां पर, माना ओपी इज इक्वल टू आर तथा ओ ए इक्वल टू एक्स, तो बिंदु ए पर, बिंदु ए पर क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, एफ इक्वल टू जाएगा कूलम के नियम से 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट बाय एक्स का स्क्वायर, इतना बल लगेगा। एफ बल द्वारा, एफ बल द्वारा आवेश को, आवेश क्यू नॉट को ए से बी तक, ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, ठीक है। देखिए ए से बी तक लाएंगे, ए से बी स्मॉल डिस्टेंस है, तो ए से बी तक लाने के लिए हमें स्मॉल सा वर्क करना पड़ेगा, कितना, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, इसकी जो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यह मान लेते क्या है, डी एक्स है, ठीक है, तो एफ इंटू डी एक्स डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, तो डेट इज इक्वल टू जो एफ डी एक्स कॉस थीटा, एफ डी एक्स कॉस थीटा, ठीक है। अब यहां पर थीटा जो है एफ और डी एक्स के बीच का एंगल है, यहां पर देखेंगे तो एफ इस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, डी एक्स इस डायरेक्शन में, यहां पे जो एंगल बनेगा तो दैट इज थीटा इक्वल टू 180, कितना होगा 180, तो यहां पे कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे हम, 180 रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, देखेंगे ये जाएगा एफ, सॉरी डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस 180, और कॉस 180 का जो वैल्यू होता है, 180 का जो वैल्यू होता है वो माइनस का 1 होता है, तो माइनस ऑफ डी एक्स, तो ये जो छोटा सा वर्क, ठीक ना, अतः आवेश क्यू नॉट को अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया कुल कार्य, कुल कितना कार्य करना पड़ेगा, जब उसको इन्फिनिटी से बिंदु पी तक लाएंगे तो डेट इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ डी एक्स, ठीक है, नेगेटिव, कहां से, इन्फिनिटी से बिंदु पी तक, इन्फिनिटी से बिंदु पी तक, बिंदु पी तक की डिस्टेंस कितना है, ओ से आर, तो इन्फिनिटी टू आर, ठीक है, तो डेट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर, और एफ इक्वल टू है 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, देखेंगे यहां पे सिंपली ये है एफ इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एफ का वैल्यू रख देंगे यहां पे, क्या कॉमन है इसमें से, क्यू क्यू नॉट बाय 4π एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी टू आर, ये नेगेटिव में होगा, और ये एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाए तो पावर जो माइनस का 2 ऑफ डी एक्स, ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस क्यू क्यू नॉट बाय 4π एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस का 1 आर टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज किया हमने, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन इक्वल टू द एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, जस्ट ये फॉर्मूला हमने यहां पे यूज कर लिया, तो जो माइनस क्यू क्यू नॉट बाय 4π एप्सिलॉन नॉट, ये जो आपका एक्स की पावर माइनस
टू पावर माइनस टू प्लस वन, तो एक्स की पावर माइनस वन बाय माइनस वन आर टू इन्फिनिटी, माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, तो ये हो जाएगा आपका क्यू क्यू नॉट बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जाएगा वन बाय आर सॉरी वन बाय एक्स, ठीक ना, क्योंकि पावर माइनस वन है इसको लिखेंगे वन बाय एक्स आर टू इन्फिनिटी, अब यहां पे क्यू क्यू नॉट बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू रखेंगे वन बाय आर माइनस वन बाय इन्फिनिटी, वन बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो, तो इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो, छोड़ देंगे तो वन बाय आर बचेगा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू क्यू नॉट बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है। अतः बिंदु पी पर विभव, बिंदु पी पर विभव वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू नॉट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन सी यही कहता है वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, तो डब्ल्यू को क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो क्यू क्यू नॉट बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर इन टू क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो वी इज इक्वल टू जाएगा क्यू, या इसको लिखते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, क्या जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, तो ये तो जाएगा पॉजिटिव आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, अगर नेगेटिव आवेश रखा हो माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र सॉरी वैद्युत विभव V इज इक्वल टू जगह माइनस का वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो विभव पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव है तो विभव हमारा नेगेटिव होगा, इज इट क्लियर, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो विभव भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज है तो विभव भी नेगेटिव होगा, क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि यहां पर अगर हम बात करेंगे अगर इस कंडीशन में अगर नेगेटिव चार्ज रखते हैं यहां पे कैसे चार्ज रखते हैं, नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लगता, इस डायरेक्शन में लगता, ठीक ना, इस डायरेक्शन में लगता, तो इस कंडीशन में वर्क हमें पी से इन्फिनिटी तक ले जाने में करना पड़ता, क्योंकि विरुद्ध करना है तो पी से इन्फिनिटी, तो वर्कडन क्या होगा नेगेटिव, और वर्कडन नेगेटिव हो जाएगा तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमारा कैसा होगा नेगेटिव होगा, ठीक है ना, तो नेगेटिव आवेश के लिए वैद्युत विभव जो है वो नेगेटिव होता है। देखिए नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए विभव के लिए फॉर्मूला है V इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ठीक ना। फर्स्ट माध्यम अगर है, माध्यम में जिसका परावैद्युतांक कितना है K है, तो उस कंडीशन में विभव होगा V इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाय आर। सेकेंड V जो है वो प्रोपोर्शनल है वन बाय आर के, वन बाय आर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, या V इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर या V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, दोनों का मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है। तो V इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो विभव हमारा क्या होगा घटेगा, अगर डिस्टेंस घटेगा तो विभव हमारा क्या होगा बढ़ेगा, ठीक ना। तो इसका मतलब यदि R इक्वल टू इन्फिनिटी, आर अगर इन्फिनिटी है तो विभव जीरो होगा, तो हमने पहले ही जब विभव का डेफिनेशन बनाया था तो उसमें हमने ये कंसीडर किया था कि अगर इन्फिनिटी पे कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट का विभव जीरो होगा, फॉर्मूले से भी हमने प्रूव कर दिया कि अगर कोई भी पॉइंट इन्फिनिटी पे है तो उस कंडीशन में उसका विभव जो है जीरो माना जाएगा, तो इन्फिनिटी पे विभव जीरो होगा। यदि आर इक्वल टू जीरो तो विभव जो है वो इन्फिनिटी होगा, मतलब जहां पे एक पॉइंट चार्ज रखा है, यहां पे एक पॉइंट चार्ज रखा ना, ये प्लस का क्यू चार्ज रखा है, और इसी पॉइंट पे अगर विभव कैलकुलेट करना है तो ये अनडिफाइंड है, मतलब इसी पॉइंट पर विभव कितना होगा ये इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण उसी पॉइंट पर विभव हमेशा अपरिभाषित रहता है, ठीक है क्लियर है। तो आर जीरो होगा तो विभव इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब अपरिभाषित है, तो ये तो हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। अगर हम बात करते हैं संबंध निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में संबंध, तो हमें पता है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, तथा विभव की अगर बात करेंगे तो विभव हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई
एप्सिलॉन क्यू बाय आर। दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड कर देते हैं तो ई अपॉन वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर। इससे कैंसिल होता है, क्यू से क्यू कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1/r। तो इसका मतलब ई इज इक्वल टू हो जाएगा वी बाय आर, या वी बराबर हो जाएगा ई इंटू आर। ये बिंदु आवेश के कारण है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध। डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी अगर आपको याद है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ किसी बिंदु आवेश के कारण, ठीक है ना, विभव और दूरी के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये जो हमारा आर, ये जो हमारा वी, ठीक है ना। तो देखिए आर जब इन्फिनिटी, जब हमारा आर जीरो होगा तो ये इन्फिनिटी पे होगा तो ये प्रतिच्छेद नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ग्राफ इस तरीके से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विभव भी हमारा क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, और इन्फिनिटी पे जाके यह कहाँ जाएगा, जीरो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे प्रतिशत नहीं करेंगे, वो जाके कहाँ पे प्रतिशत करेगा, इन्फिनिटी पे, और यहाँ पे भी हम प्रतिशत नहीं करेंगे, ठीक है ना, मैच नहीं कराएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि ये जाके इन्फिनिटी पे मैच करेगा, ये इन्फिनिटी पे मैच करेगा, मतलब एक्सिस के साथ कट करेगा, करने का मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ बन जाएगा, ये ग्राफ शो करता है कि विभव जैसे जैसे, सॉरी दूरी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे विभव हमारा क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो चलिए एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स देखते हैं इस पे बेस्ड। देखिए एक बिंदु आवेश +5×10^7 कूलम के कारण इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। 5×10^-10 कूलम आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना होगा ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके। देखिए एक आवेश दे रखा है, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट दिया है, क्या दे रखा है आवेश, Q इज इक्वल टू दे रखा है 5×10^7 कूलम का आवेश है, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, R बराबर है 10 सेंटीमीटर, इसको लिखे 0.1 मीटर, कह रहे कि 1 मीटर, 0.1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो विद्युत विभव V बराबर जो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। तो इसका वैल्यू जो है 9×10^9, क्यू का वैल्यू जो 5×10^7 वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, और आर का वैल्यू जो है 0.1, ठीक है ना, 0.8 आ देंगे। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा 50, और 50 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 9×5 45, 450×10^7 9 और 7 कितना जाएगा 16 वोल्ट। तो इसको लिख सकते 4.5×10^18 वोल्ट, इतना वोल्ट का आवेश होगा, सॉरी विभव होगा। अब कह रहे कि अनंत से अगर 5×10^-10 कूलम आवेश को अगर लाना है उसी बिंदु तक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास प्लस क्यू आवेश दे रखा है, इससे आर दूरी पर ये बिंदु पी है, इस बिंदु पी पर इतना विभव है, ठीक ना, और एक क्यू नॉट आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाना है तो हमें कितना काम करना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं चीज बता दूं कि विभव का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है फिजिक्स में वो केवल वर्क के कॉन्सेप्ट को रिड्यूस करने के लिए, मतलब किसी भी सिस्टम के लिए हम इजीली वर्क कैलकुलेट कर सके, बार बार इंटीग्रेशन ना करना पड़े, बार बार हमें कैलकुलेशंस ना करना पड़े, तो उसी कैलकुलेशंस को, उसी इंटीग्रेशंस को रिड्यूस करने के लिए विभव का कॉन्सेप्ट लाया गया है, क्योंकि विभव के कॉन्सेप्ट से हम वर्क इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं कितना वर्क होगा क्यू नॉट आवेश को इन्फिनिटी से पी तक लाने में, ठीक ना। तो क्यू नॉट आवेश बराबर है 5×10^-10 कूलम, 5×10^-10 कूलम, इसको अनंत से इन्फिनिटी से बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य, ठीक ना, डब्ल्यू बराबर है वी इंटू क्यू नॉट, क्योंकि वी इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाय क्यू नॉट, तो W बराबर हो जाएगा V इंटू क्यू नॉट। तो V का वैल्यू है यहां पे हमारे पास अभी कैलकुलेट किया हमने 4.5×10^18×Q0 का वैल्यू है 5×10^-10, तो 5×25 20 और 2 22, एक स्थान में दशमलव हो जाएगा, तो 22.5×10^8 जूल।
इतना हमें वर्क करना पड़ेगा जब क्यू नॉट आवेश को इन्फिनिटी से उस बिंदु तक लाना है तो, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन है, तो देखेंगे इसमें ये दे रखा है एक बिंदु आवेश से 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10^5 न्यूटन पर कूलम है और इसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो सिंपली इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए बिंदु आवेश से दूरी दे रखा है, दूरी आर बराबर दे रखा है 0.1 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 × 10^-10 मीटर, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 10^-11 मीटर, 10^-11 मीटर, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र ई बराबर दे रखा है 10^5 न्यूटन पर कूलम। क्या निकालना है, विभव निकालना है, तो हमें पता है विभव वी बराबर होता है ई इंटू आर, कहते हैं ई इंटू आर, ई का वैल्यू है 10^5 गुणा आर का वैल्यू है 10^-11, दिया जाएगा 10^-6 वोल्ट, ठीक ना, क्या जाएगा 10^-6 वोल्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट है 4×10^-9 कूलम आवेश के कारण इससे 9×10^-2 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। आवेश दे रखा है, दूरी दे रखा है, विभव निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमारे पास आवेश दे रखा है, बिंदु आवेश क्यू बराबर 4×10^-9 कूलम और दूरी दे रखा है आर बराबर 9×10^-2 मीटर, तो विभव हो जाएगा, विभव वी बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। तो देखिए इसका वैल्यू जो है 9×10^9 × Q का वैल्यू 4×10^-9 डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू जाएगा 9×10^-2। देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, की प्लस के घात है, ये माइनस के घात है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 4/10^-2 ऊपर चले जाएगा तो प्लस का जाएगा, तो 4×10^2 मतलब 400 वोल्ट, ठीक ना। तो उस बिंदु पर विभव कितना होगा, 400 वोल्ट का विभव होगा। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 3-4 न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए हैं जो कि आपके बहुत बार एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया होगा, फिर भी अगर नहीं समझ में आया, क्या दिक्कत है, डाउट है, वो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। बहुत कुछ बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि सर आप बहुत फास्ट बोलते हैं, ठीक है ना, फास्ट इसलिए बोलता हूँ ना ताकि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको सिखा सकूँ, ठीक है ना। धीरे धीरे बोलूंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, तो ऐसा लगेगा कि बॉडी में एनर्जी ही नहीं है और बहुत ही लेजीनेस से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जब भी मैं पढ़ाता हूँ बहुत फास्ट बोलता हूँ। लेकिन दिक्कत आपको होती है फास्ट सुनने में, तो YouTube में एक ऑप्शन होता है वीडियो को फास्ट और उसको स्लो करने का, तो वहाँ पे जाके आप वीडियो को 0.75x में कर लीजिएगा, स्लो हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। और फास्ट सुनना है तो वहाँ से जाके ऑप्शन में जाके आप फास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। नेक्स्ट वीडियो में और सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और बहुत सारे डेरिवेशन हम सीखने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।